दोस्तों, आज से हम एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हर एक व्यक्ति फ्री में ये कोर्स करे और टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ जानकारी जान ले। तो हमारे इसी मकसद के साथ हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में दो प्रकार के एनालिसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है कि कंपनी का जो भी हमने शेयर लिया है वो कंपनी के बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसकी प्राइस को ऊपर जाना या नीचे जाना, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस, उसका डिविडेंड एक्सेट्रा, बहुत से फैक्टर होते हैं। खैर, आज हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस काफी टिपिकल है और वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए ही फायदेमंद है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड या तो इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? टेक्निकल एनालिसिस एक सिद्धांत पर काम करता है। अगर वो आपने अभी से अपने दिमाग में फिक्स कर लिया तो आप ये कोर्स को पूरा करते करते उस सिद्धांत को कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब बार बार वही चीज होती है जो पहले हो चुकी है। इसी सिद्धांत पर ये टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। और वो किस पर काम करता है? जैसे मान लो कि एक दिन में बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, कोई बॉम्बे से ट्रेड कर रहा है, कोई दिल्ली से, तो कोई कलकत्ता से, हर जगह से व्यक्ति ट्रेड कर रहा है, हर एक सेकंड ट्रेड कर रहा है। अब कौन कहाँ कर रहा है और कितने संख्या में कर रहा है वो कैसे पता चले? तो वो चार्ट के माध्यम से पता चलता है। और चार्ट क्या शो करता है? प्राइस और वॉल्यूम। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस पूरा का पूरा ये प्राइस और वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। और ये जो चार्ट होता है जो आप अपनी स्क्रीन में देखते हैं वही आपका रन क्षेत्र है टेक्निकल एनालिसिस। एक चार्ट हमें सब डिटेल दे देता है कि कितने लोगों ने कितने प्राइस में क्या क्या खरीदा है और बेचा है। तो ये चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, उसमें कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्या इंडिकेटर यूज किया जाता है, क्या पैटर्न को यूज किया जाता है, क्या ट्रेंड होते हैं, ये सारी डिटेल एक के बाद हम एक अगले पार्ट्स में लेकर आते रहेंगे। सबसे पहले तो आज बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आप लोगों ने जान लिया कि टेक्निकल एनालिसिस दो चीज पर डिपेंड करती है, एक तो प्राइस, दूसरी वॉल्यूम। प्राइस होती है शेयर की कीमत और वॉल्यूम वो कितनी संख्या में लिए जा रहे हैं। तो ये दो चीज ही होती है इसका बेस। तो ये हमको कैसे पता चलता है? तो हमने बताया कि चार्ट के माध्यम से पता चलता है। अगर आपने अच्छी तरह से पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख गया तो इसके बेनिफिट क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक कार चलाना आप सीख गए हैं, वो हो सकती है मारुति हो या होंडा, जो कोई भी हो। अगर आपने कार चलाना सीख गया फिर वो किसी भी ब्रांड की कार आप आराम से चला सकते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। फिर चाहे आप इक्विटी में ट्रेड कर लो, कमोडिटी में कर लो, फॉरेक्स में कर लो, इंट्राडे में कर लो, शॉर्ट टर्म में, यहाँ तक कि लॉन्ग टर्म में भी टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग का, यहाँ तक कि ये भी आप कह सकते हैं कि ये इसका बेस है ट्रेडिंग। दोस्तों, पहले के जमाने में जब ट्रेडिंग हुआ करती थी तो लोग अंदाजे से ही ट्रेड करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने विकास किया है तो कई प्रकार के इंडिकेटर और कई प्रकार की टेक्निक इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है जो कि आपको एक सफल ट्रेडर बनाने के लिए काफी है। तो हम वही एक एक सारी टेक्निक आपको सिखा देंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए, ये समझ लो। आज की डेट में पूरी दुनिया में जहां भी ट्रेडिंग होता है तो वहां पे ये टेक्निकल एनालिसिस को काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी परंपरा काफी पुरानी है। अब वो सारी हिस्ट्री हम पार्ट टू में लेकर आएंगे और एक एक कर वो सारे पार्ट्स को आपके सामने खोलते जाएंगे ताकि आप जितनी आसानी से टेक्निकल एनालिसिस सीख सको वो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
जो भी नए ट्रेडर हैं या फिर ऑलरेडी ट्रेडिंग जानते हैं और बहुत दिनों से ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक अच्छे ट्रेडर को आना ही चाहिए। तो आज हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम इंट्रोडक्शन दे दें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम नेक्स्ट पार्ट से चालू करेंगे चार्ट। चार्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और चार्ट से हम किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो कमेंट जरूर करना। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।